हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदो 167। आपका आदो 167 में स्वागत है। वेल, आज हमारे पास एक ऐसा स्पीकर है जो कि आप सब जानते हैं। शी इज अ वेरी फेमस स्पीकर एंड हर नेम इज वंदना सेनगुप्ता। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन फर्दर अपडेट्स, फर्दर वीडियोस। आज वंदना हमसे सुनो रे सुनो यीशुआ की सुनो के बारे में बात करने वाला है। शी इज गोना टॉक अबाउट listen what God wants to speak to us about. So without wasting time, let's just go and listen to what she has to say. सुनो अरे सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो, ध्यान लगा के यहोवा की सुनो। सुनो रे सुनो, ध्यान लगा के यहोवा की सुनो। वेलकम टू द अदर 167। आई एम वंदना एंड आई ब्रिंग यू ग्रीटिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आवर ट्रू लिविंग गॉड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रेइंग। दुआ करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ गुजारिए, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में, उसकी संगति में बिताइए, क्योंकि इस वक्त दुनिया ऐसे टफ टाइम से गुजर रही है कि हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15 क्या कहता है। खुदा हमसे कुछ कह रहा है। This is our privilege to listen to him. ये हमारा बहुत बड़ा privilege है कि हम सुने कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। वो निश्चय ही हमसे कुछ कह रहा है, और हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम इतने clutters के बीच में हैं, इतनी सारी परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है, हम तरह तरह की बातें सोचते हैं, हमारे अंदर तरह तरह की anxieties, fears, depression और अलग अलग विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे अंदर ऐसे बम्बार्डमेंट से ऐसे फ्लड आ जाती है विचारों की, तो हम सोच इतनी हमारी डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि हम सुन ही नहीं पाते हैं कि खुदा हमसे कह क्या रहा है, क्योंकि हमारे इतना क्लटर है हमारे अंदर, इतनी सारी चीजें हैं, तो हम उसको कैसे सुनेंगे। पर वो कहता है जेनेसिस 28 वर्स 15, और सुन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस, और सुन वंदना, और सुन राहुल, और सुन निधि, और सुन राजन, और सुन केलब, सुनो और सुन। सुन क्या कह रहा है? यू नो व्हाट ही इज सेइंग? इतना बड़ा प्रॉमिस खुदा आपसे कर रहा है, मुझसे कर रहा है। ही सेइंग और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा। माय गुडनेस, व्हाट अ बिग थिंग, व्हाट अ लवली प्रॉमिस। इसलिए खुदा कहता है कि दुनिया की बातें टल जाएंगी, पर जो उसने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। He's faithful God, he never lies. उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम, वो विश्वास योग्य है, सर्वशक्तिमान है। और वो क्या कह रहा है? मैं तेरे संग संग रहूंगा। अगर हम सुनेंगे तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जहां भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। जहां भी आप चले जाएंगे प्रभु आपकी रक्षा करेगा, वो आपसे ये कह रहा है। और जब तक मैं अपने कहे को पूरा ना कर दूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। This is what it is written. How beautiful is it, my dear brothers and sisters, isn't it? कितना बड़ा प्रॉमिस है। इतने टफ टाइम से जो हम गुजर रहे हैं, कितनी प्यारी ये बात है और कितना प्यारा वादा है अगर हम सुनेंगे। वो कहता है और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जब तक अपने कहे को पूरा ना कर लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता क्या है, अगर आप वर्स 13 में देखेंगे, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात करता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको और मुझे देना चाहता है, तो क्यों ना हम सुने ध्यान से, उसके पास जाएं, अपने सारी परेशानियों को साइड पे रखें, अपने सारे थॉट्स को साइड पे रखें, जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी हम करना चाहते हैं अपने जॉब को लेकर, रिलेशंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी है, उनको
थोड़े दिन के लिए साइड पे रखें और बस खुदा के पास जो आते हैं, खुदा तो बता मुझे क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो ये कहना चाहता है आपसे, वो आपको डायरेक्ट मैसेज देना चाहता है। कितनी अच्छी बात है ना माय डियर ब्रदर सिस्टर, कि प्रभु हमसे कह रहा है कि और सुन सुन तो मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें और एक दूसरे को इनकरेज करें विद टू प्रेयर्स, कि चलिए अब वक्त आ गया हम खुदा के पास बैठ कर कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट ऑन हिम, ऑन हिज वर्ड्स, एंड क्या कहें, खुदा हम सुनने के लिए तैयार हैं, तू बोल हमसे क्या बोलना चाह रहा है, तू तो हमें ब्लेस करना चाहता है, हमारी रक्षा करना चाहता है, तू हमारे संग संग चलना है, चलना चाहता है, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू मेरे संग संग रहना चाहता है, रह रहा है। सो फ्रेंड्स, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कितनी अच्छी बात, कितना मन को शांति देने वाली बात है, इजंट इट। सो दुआ करते रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए और सुनिए वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, और सुन There's a big blessing coming your way. वो जब तक जो प्रॉमिस आपके साथ किया है वो पूरा नहीं कर लेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। How great is that? So friends, सुनो, सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो, ध्यान लगा के यहोवा की सुनो। May God bless you. And may God bless you immensely. Praise the Lord. आशा है कि आप ये वीडियो को अच्छा लगा। I hope you like the video. Well, प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I hope you heard that message. God wants to talk to you something and He wants you to hear something. प्रभु आपके साथ है। God is with you. प्रभु आपका रक्षा करते हैं। God protects you. And God will not let go of you until He fulfills His purpose. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक उनका purpose आपका life में complete ना हो। So stay connected with us. Facebook पे आप हमको follow कीजिए, Instagram पे follow कीजिए, write to us on the email ID as shown on the screens, and don't forget to hit that subscribe button and hit that bell icon. Hit that subscribe button, hit that bell icon. Leave us a comment and we will get in touch with you. Stay connected with us. Stay connected with us once again. Thank you. Have a good one. Shalom.